पालघर के बोईसर के तारापुर MIDC में स्थित बघेरिया नामक कंपनी में आज अचानक हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और यह ब्लास्ट जो है बताया जा रहा है कि कंपनी के रिएक्टर में हुआ, और यह ब्लास्ट जो इतना तीव्र था कि जैसे मैं आप दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टर के मोटर होते हैं या दूसरे का जो मोटर लगे थे उसका जो देखिए स्पेयर पार्ट है यहाँ पर आके गिरा है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये ब्लास्ट कितने थे, जो ईंट की दीवारें थी या उस पर जो पत्रे लगे थे उसके पूरे जो है परखच्चे उड़ गए हैं और उसके जो टुकड़े टुकड़े हैं आप देख सकते हैं ज़मीन पे किस तरह जो है ये दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं कि मेरे इस तरफ यही कंपनी है जिसमें जो है आज करीबन शाम को जो एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जगह यहाँ पर देखा जाए तो फायर ब्रिगेड के लोग भी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है, और घटना कि जो है देखा जा रहा है कि कंपनी में क्या और लोग भी फंसे हैं या सभी कामगार जो सुरक्षित हैं उसकी भी जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड के लोग भी जो हैं और लोगों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि कंपनी प्रशासन और पुलिस का कहना है कि सभी लोग जो बचे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग जख्मी हैं जिन्हें इलाज के लिए बोईसर के सिंधे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक यह घटना शाम करीब 4:30 बजे के आसपास हुई। घटना के वक्त कंपनी में करीब 18 कामगार मौजूद थे। इस कंपनी में कपड़े के डाइन के लिए उपयोग होने वाला गामा केमिकल तैयार किया जा रहा है, और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक जो है इस कंपनी में मरने वाले कामगारों की संख्या जो है 3 हो चुकी है। हालांकि इस घटना की जाँच में जो है अब बोईसर पुलिस जुटी हुई है। सर, क्या घटना है और इसमें कितने लोग जख्मी हुए हैं और ये घटना कैसे हुई है? बघेरिया केमिकल इंडस्ट्रीज में आज 4:30 बजे के करीब विसल रिएक्टर का एक स्फोट हुआ है। उस स्फोट में 2 कामगार की मौत हो गई है और 12 कामगार घायल हैं। जो घायल कामगार है उनको सिंधे अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनके ऊपर उपचार चालू है। ये जो स्फोट हुआ है इसके बारे में प्लांट इंचार्ज से पूछा गया तो वो बोलता है कि अचानक प्रेशर बढ़ने के कारण ये स्फोट हुआ है। इस पूरी घटना की जानकारी तहकीकात माननीय पुलिस अधीक्षक बाड़ा साहेब पाटिल साहब, एडिशनल SP गायकवाड़ साहब और DYSP पाडवी मैडम इनकी मार्गदर्शन के ऊपर, और तकनीकी जो जानकारी है वो डिप्टी हेल्थ एंड सेफ्टी डायरेक्टर इनसे प्राप्त करके आगे की कानूनन कार्रवाई की जाएगी। सर, यह घटना कितना बजे हुई, इसमें कंपनी में क्या बनता है और घटना के वक्त कंपनी में कितने कामगार काम कर रहे थे? इस कंपनी में गामा एसिड का, इस जो वेसल रिएक्टर है उसमें गामा एसिड का उत्पादन किया जाता था। वो गामा एसिड ये कपड़े का जो डाइंग का केमिकल बनाया जाता है उसके लिए उपयोगी पड़ता है। इसमें सोडियम सल्फेट, अमोनिया और जी सॉल्ट तीनों इकट्ठा किए गए थे और इसको आज सुबह 3 बजे उसका प्रोसेस चालू किया गया था। वो कल सुबह 3 बजे तक चालू रहने वाला था लेकिन उससे पहले ही इसका प्रेशर बढ़ने के कारण स्फोट हुआ, ऐसा उनका कहना है। सर, जैसा बता रहे हैं कि 18 कामगार इसमें काम कर रहे थे और जो जख्मी हैं वो 12 हैं और मृत्यु 2 की हुई है, तो बाकी कामगार कहाँ है कुछ पता चला है क्या? है ना, इधर ही है, उनको लेके गए हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें।